नशा तस्करों पर तो लगातार शिकंजा कसा जा रहा है, परंतु अब उनका सहयोग करने वालों पर भी कार्यवाही अमल में लानी शुरू कर दी गई है, जिसके चलते गुरुवार सुबह आईपीएस अशोक रत्न व एसडीएम इंदौरा सोमिल गौतम की अध्यक्षता में नशे का गढ़ छन्नी बेली में अचानक छापेमारी की गई, जिसमें तहसीलदार इंदौरा, नायब तहसीलदार पटवारी व भारी पुलिस बल आदि मौजूद रहे। इस संबंधी जानकारी देते हुए आईपीएस डीएसपी अशोक रत्न ने बताया, 3 महीने पहले एक एफआईआर गोविंदा पर हुई थी, जिसमें 259 ग्राम व 302 ग्राम हेरोइन व करीब 15 लाख रुपए की नकदी बरामद की गई थी, जिस पर कार्यवाही करते हुए राकेश कुमार शेरा जितेंद्र उर्फ काका सभी छन्नीवेली तहसील इंदौरा जिला कांगड़ा के निवासी हैं, उनकी संपत्ति की जांच की गई कि इनके द्वारा पिछले 6 साल में इतनी संपत्ति कहां से आई। तो जी आपने ये माल पर आप गए थे रेड के लिए, क्या कारण था इसका मुख्य और क्या क्या रही? 3 महीने पहले एक एफआईआर रजिस्टर हुई थी, इसमें 183/20 और 185/20 धर्मेंद्र और गोविंदा के अगेंस्ट, जिसमें 259 और 302 ग्राम हीरोइन प्राप्त हुई थी और 14.5 लाख कैश मिला था। इसी के तहकीकात के दौरान कुछ लिंक हमें बीच में आए, जिसमें हमें ये पता चला कि इसके और भी एसोसिएट्स, पार्टनर्स और रिलेटिव्स इसमें इन्वॉल्व हैं, जिसके लिए हम लोगों ने छानबीन करने के लिए सर्च वारंट लिया कोर्ट से। और फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो हम लोगों ने आज रेड प्लान करी, 6 जगह पे 4 लोगों के यहाँ पे रेड प्लान करी गई थी, साइमल्टेनियस रेड सुबह। तो दौरान रेड हम लोगों को इनकी जो लग्जूरियस व्हीकल्स हैं, 3 इनकी एक्सयूवी 500, 2 इनकी कमांडो बाइक, 2 स्कूटी और इनके फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स जो लैंड डीड्स और ये बैंक की पासबुक्स और बैंक के ट्रांजैक्शंस डिटेल्स, जो टोटल मिला के इनका सोर्स ऑफ इनकम इसमें हमें असर्टेन करना पड़ेगा कि इनके पास इतने कम टाइम में, पिछले 6 साल में इनके पास इतनी प्रॉपर्टी कैसे एक्युमुलेट हुई। तो इसकी छानबीन के लिए हम लोगों ने आज ये रेड प्लान हुई थी और जिसका एग्जीक्यूट करा जा चुका। सर कौन कौन था टीम में आपकी साथ? हम लोगों की टीम में नूरपुर सब डिवीज़न की एंटायर टीम थी, SHO इंदौरा, SHO डमताल, SHO नूरपुर और जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स हैं हमारे डमताल थाने के पुलिस स्टेशन के। सर एसटीएम वगैरह साथ है पूरी? हमारे लिए इस रेड में विटनेसेस के लिए हम लोगों ने एडमिनिस्ट्रेशन इंदौरा को शामिल करा था, तो SDM इंदौरा भी हमारे साथ मौके पे थे और तहसीलदार XN PWD और नायब तहसीलदार ये भी मौके पे हमारे साथ मौजूद थे। सर ये कार्रवाई कब तक ये ख़त्म कर देंगे इसको? देखिए इसमें ख़त्म करने का ऐसा टाइम पीरियड तो नहीं है, जितना हम लोग इसमें डेप्थ में जा सकते हैं हम डेप्थ में जाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इनका सारे जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड्स हैं उसको चेक करना पड़ेगा इसमें। धन्यवाद सर। हिमाचल दस्तक वेब टीवी के लिए इंदौरा से अशोक ठाकुर।